स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग होप यू ऑल आर फाइन इन प्रीवियस क्लास वी टेक एक्सरसाइज टू एंड इन टूडे क्लास वी विल डू एक्सरसाइज थ्री सो विदाउटिंग अवर टाइम्स लेट गेट स्टार्ट ओपन यूर मैथ कॉपीज ड्रॉ अ मार्च लाइन राइट डाउन द डेट एट ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी क्लास वर्ल्ड फिर उसके बाद टॉपिक लिखे टॉपिक टाइम एंड डेट इसको डबल अंडरलाइन करें फोकस टाइम इसको भी डबल अंडरलाइन करिए एक्सरसाइज थ्री रेफरेंस बुक पेज नाइनटी टू इन सब को आपने डबल अंडरलाइन करना है फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से लिखे क्वेश्चन क्वेश्चन ऑब्जर्व द टाइम्स एज शोन ऑन द क्लॉक बिलो राइट द टाइम इन नंबर्स एंड वर्ड्स अंडर द क्लॉक अब इस एक्सरसाइज में हमें ये क्लॉक गिवन है इस पे टाइम भी हमें शो हुआ है हमने जस्ट टाइम राइट डाउन करना है कि आ, कौन सा आ, अभी कौन सा टाइम हो रहा है इस क्लॉक पे सही है और लिखना जो हमें है ना टाइम जो है वो हमने नंबर्स में लिखना है जैसे इधर लिखा हुआ है और हमने वर्ड्स में लिखना है इस तरह सेवन सेवन ट्वेंटी एट इलेवन um, टेन uh, इसी तरह के हमने नंबर्स में लिखने हैं ठीक है क्वार्टर्स हाफ पास्ट इस तरह इंग्लिश में नहीं लिखने नंबर्स जब ये क्वेश्चन आ जाएगा ना कि राइट द टाइम इन नंबर्स एंड वर्ड्स अंडर द क्लॉक ना नंबर्स तो आप समझ जाए कि नंबर्स तो ये सेवन um, ट्वेंटी और इस तरह का बोल रहे हैं तो हमने ये लिखना है और ये जो um, वो आएंगे वर्ड्स uh, में तो आप समझ लें कि वर्ड्स का मतलब मैथ्स uh, में जब हम वर्ड्स का वर्ड आता है तो हम uh, इस तरह लिखते हैं ठीक है स्पेलिंग लिखते हैं सेवन की ट्वेंटी की टेन एट इस तरह सो so, सबसे पहले आप क्लॉक ड्रॉ करें सही है उसके बाद आप नंबर्स उसमें शो करें ट्वेल्व सिक्स थ्री नाइन फिर उसके बाद वन टू फोर फाइव सेवन एट टेन एलेवन सारे नंबर्स शो हो गए क्लॉक पे उसके बाद हैंड्स बनाते हैं ठीक है हैंड्स बनाए और हैंड बनाएं और उसको सेवन की तरफ पॉइंट आउट करें और हैंड को और फिर उसके बाद मिनट हैंड जिसको हम लॉन्ग हैं लॉन्ग हैंड भी कहते हैं उसको आपने फोर की तरफ पॉइंट आउट करना है ये क्लॉक हमें शो टाइम जो है क्लॉक पे शो हो गया है अब हमने नंबर सबसे पहले हमने नंबर्स में लिखना है तो नंबर्स पे आ, क्या लिखेंगे सबसे पहले और हैंड आता है ठीक है और आता है सबसे पहले और लिखेंगे फिर उसके बाद मिनट और फिर उसके बाद अगर सेकंड हुआ तो हम सेकंड भी लिखते हैं ठीक है लेकिन इस क्लॉक में हमारे पास सिर्फ और है और मिनट है तो सबसे पहले हम और हैंड वाले लिख, न, और हैंड वाले लिखते हैं कि कौन सा है सो और हैंड जो है वो सेवन की तरफ पॉइंट आउट है तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवन फिर उसके बाद कोलन फिर उसके बाद हम मिनट हैंड है ना उसके बाद हम मिनट हैंड लिखेंगे अब मिनट हैंड हमने नंबर्स में लिखना है क्या टाइम हो रहा है ये क्लॉक पे सेवन और सेवन uh, पे और हैंड है और मिनट पे मिनट uh, हैंड जो है वो फोर पे है सो so, हमने हम ऐसे तो हम नहीं लिख सकते ना कि सेवन फोर हो रहे हैं ठीक है थीके? तो हमने अब सही काउंट काउंट हमने करना है इधर से क्लॉक में इन नंबर्स के हर एक नंबर के बीच में जो है ना हर एक नंबर्स के बीच में फाइव फाइव मिनट्स होते हैं फाइव मिनट्स ठीक है वो हमने काउंट करने हैं फाइव इस के में है फाइव इसके दरमियान में है फाइव इसके दरमियान फाइव इसके बीच में है सही है फाइव फाइव मिनट है नंबर्स है तो हमने वो काउंट करने हैं ट्वेल्व और फाइव कि बीच में ट्वेल्व स्टार्टिंग होता है ठीक है ट्वेल्व से स्टार्टिंग होता है सो ट्वेल्व so, और वन के बीच में कितने नंबर हो गए फाइव फाइव प्लस फाइव टेन फाइव प्लस फाइव जो है वो फिफ्टीन फिर प्लस फाइव ट्वेंटी इस तरह इधर जो है इधर से स्टार्टिंग होता है ये दो जीरो सही है इधर आता है फाइव अगर ये आप काउंट नहीं कर सकते तो आपको आप सबको तो फाइव का टेबल आता है ना तो फाइव का टेबल लिख लें इस तरह ये जीरो इधर से स्टार्ट होता है ना फाइव वन जार फाइव फाइव टू हज़ार टेन फाइव थ्री हजार फिफ्टीन फाइव फोर हज़ार ट्वेंटी फाइव फाइव हजार ट्वेंटी फाइव फाइव सिक्स हजार थर्टी फाइव सेवन ज़ार थर्टी फाइव फाइव एट जार फोर्टी फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव फाइव टेन जार फिफ्टी और फाइव फिर इलेवन जार फिफ्टी फाइव और उसके बाद ट्वेल्व तक जब आ जाता है तो फाइव ट्वेल्थ जार सिक्सटी हो जाता है ठीक है तो हमारे पास ये सारे हमने नंबर्स लिख लिए अब ये टाइम लिखते हैं नंबर्स में कैसे सेवन और हैंड तो सेवन की तरफ है वो तो हमने सिंपल हमने लिख लिया है कि सेवन है कोलन हमने लिख लिया अब हमने मिनट हैंड को देखना है ना तो मिनट हैंड का किधर है इधर फोर की तरफ पॉइंट आउट है ना तो फोर पे क्या आता है ट्वेंटी तो हम क्या लिखेंगे ट्वेंटी टू जीरो ट्वेंटी अब हम हमने ये वर्ड में लिखना है सही है वर्ड में हम कैसे लिखेंगे सेवन सेवन की स्पेलिंग एस ई ई एन सेवन ये डाली डैश सही है उसके बाद लिखे ट्वेंटी ट्वेंटी की स्पेलिंग क्या है टी एन टी वाई ट्वेंटी ये हमने वर्ड्स में लिख लिया है देखिए कितना सिंपल है अब हम इस क्लॉक की तरफ आते हैं नेक्स्ट क्लॉक भी आप बनाएं इसी तरह ठीक है अपने नंबर्स पहले आ, राइट डाउन कर लें उसमें ट्वेल्व सिक्स थ्री नाइन वन टू फोर फाइव सेवन एट टेन एलेवन ये हमने ऐड uh, कर लिया अब इसके बाद हम टाइम uh, शो करते हैं कि क्या टाइम हो रहा है और हैंड को हमने एट की तरफ पॉइंट आउट करना है ऐट की तरफ और हैंड को पॉइंट आउट करें फिर मिनट हैंड जो है इसको हमने टू uh, की तरफ पॉइंट आउट करना है ठीक है टू की तरफ पॉइंट आउट कर लिया शो हो गया है टाइम अब हमने टाइम लिखना है और टाइम हमने किस में लिखना है नंबर्स में हमने लिखना है तो इसी तरह जिसमें हमने नंबर्स लिखे ना उसी तरह हम इधर से स्टार्ट करेंगे ये तो जीरो हो जाएगा सही है फाइव फाइव का टेबल लिखें फाइव वन ज़ार फाइव फाइव टू जोर टेन फाइव थ्री जोर फिफ्टीन फाइव फोर जोर ट्वेंटी फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव फाइव सिक्स जोर थर्टी फाइव सेवन ज़र थर्टी फाइव फाइव एट ज़ार फोर्टी फाइव नाइन ज़ार फोर्टी फाइव फाइव टेन जार फिफ्टी फाइव एलेवन ज़ार 55 और 12 जो है 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 वो तो हो ही जाते है। सही है, अब उसके बाद पहले है, सबसे पहले हम क्या नंबर लिखेंगे जो और हैंड का है और हैंड जो पिंक जो एरो आपको नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है और हैंड और ये जो ऑरेंज है ये रिप्रेजेंट करता है मिनट हैंड तो so, सबसे पहले हम और हैंड को लिखते हैं और हैंड क्या है किसकी तरफ पॉइंट आउट है एट की तरफ हमने एट लिख लिया है उसके बाद कोलन फिर हम नेक्स्ट नंबर किसका आता है मिनट हैंड का अब मिनट हैंड को हम देखते हैं वो कहाँ पे पॉइंट आउट हुआ है टू की तरफ पॉइंट आउट है और टू के साथ क्या आता है जब हम वो फाइव मिनट फाइव उसको ऐड करेंगे तो क्या आता है टू का टेन तो हम लिखेंगे वन जीरो एक बॉक्स में एक नंबर और दूसरे बॉक्स में दूसरा नंबर चाहिए एट टेन सो टेन हमने लिख लिया अब इसको हमने वर्ड्स में लिखना है ठीक है वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे एट एट आई जी एच टी फिर डैश उसके बाद टेन है सो टी ई एन टेन बस ये दो क्लॉक्स हैं ठीक है एक्सरसाइज थ्री में आई होप आपको समझ आ गई होगी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं फ्रीली उसके बाद आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ कर इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज सेवन So till then take care stay safe stay home Allah Hafiz